हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और इस वीक हम बना रहे हैं पालक से कुछ नया, कुछ अलग अलग चीजें बना रहे हैं हम पालक से। तो आज हम बनाएंगे पालक के लच्छा पराठा, और ये खाने में बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक के लच्छे पराठे। पालक के लिए लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा, और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। 1 कप करीब करीब मैंने यहाँ पर ले लिया है पालक, जो मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और अनियन चॉप अनियन ले लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, बस इतना ही सामान चाहिए। तो यहाँ पर हमने आटा ले लिया है, इसके अंदर अब हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अभी सॉल्ट। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लगभग 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा आटा लग गया है, और इसको लगाने में हमें 1/2 कप के करीब पानी लगा है। तो अभी इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं हम, तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, जो हमने पालक है वो ले लिया इसमें, और जो अनियन इसके अंदर चॉप ली है वो, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट। तो सॉल्ट हम पहले भी डाल चुके हैं आटे में भी, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम अपनी सॉल्ट डालेंगे। और इसमें हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है, और अब आटा जब 10 मिनट के बाद रेस्ट के बाद रेडी हो जाएगा तो हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फिलिंग और आटा हमारा रेडी हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं इसको। तो इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इसे हम दोबारा से हल्का सा नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल लगा के इसको हल्का सा नीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पराठों के लिए आटा लगाया है, तो हमने थोड़ा सा टाइट डो लगाया है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं है, थोड़ा सा टाइट डो लगाया है हमने। तो अब इसके बॉल्स बना लेते हैं, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमें जितने बड़े पराठे चाहिए हम उतनी बड़ी इसकी बॉल्स निकाल लेंगे। तो इतने आटे से लगभग मेरे 5 से 6 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इक्वली डिवाइड कर लिया है, हम इसको एक को उठाएंगे और ऐसे ऐसे